नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा गोरजानी में आप सबका स्वागत है। आपने चाट तो कई तरह की खाई होगी, पर आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही ये बढ़िया सी ब्रेड की चाट। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, और बनाने में भी इसे काफ़ी आसान है, एकदम चटपटी लगती है। जब भी मन चाहे आप इसे बना सकते हैं। तो चाट बनाने के लिए सबसे पहले ना मैंने 4 से 5 आलू ले लिए कच्चे वाले। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और छील लिया। अब इसको हम इस तरह से टुकड़े कर लेंगे मीडियम साइज़ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने सारे आलू को काट लिया है। अब यहाँ पर ना मैंने 1 कप जितने ताज़े मटर ले लिए, आप चाहे तो फ्रोज़न भी ले सकते हैं। उसके बाद ना मैंने गैस को ऑन कर लिया है, प्रेशर कुकर रख दिया। इसके अंदर हम आलू और मटर दोनों ही डाल देंगे, साथ में 1 गिलास पानी डाल देंगे, और कुकर का ढक्कन देते हुए इसको हम 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 सीटी आ गई है। अब इसको है ना इसी के अंदर हम थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे, पूरा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। उसके बाद एक और कढ़ाई रख देंगे, इसमें हम डालेंगे सिर्फ आधी छोटी चम्मच तेल। जैसे ही गर्म हो जाए 1/4 चम्मच जीरा, चुटकी भर हिंग, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 कटी हुई बारीक वाली हरी मिर्ची। इन सबको धीमी आंच पर भून लेंगे। उसके बाद पानी के साथ ही हम ये आलू मटर पके हुए डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा इस तरह से इसे मैश करते जाएंगे, और तकरीबन इसे हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है। जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, इसको हम पूरा कढ़ाई के अंदर ही डाल देंगे और दोनों तरफ से अच्छे से ये लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने लगा लिया, और इसे इसके ऊपर भी हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से करने के बाद अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज, इसी तरह से बारीक कटा हुआ टमाटर। तो ये इतनी चटपटी चाट बनती है ना, थोड़ी सी बारीक वाली सेव, और आपने देखा कितने कम तेल में बनी है। और ना थोड़ी सी इमली की चटनी डालेंगे, खजूर इमली की चटनी, चटपटा स्वाद आता है इससे। थोड़ी सी ना हम यहाँ पर हरी चटनी डाल रहे हैं, और ये लीजिए तैयार है ब्रेड की बहुत ही अलग तरीके की चटपटी चाट। तो ये ट्राई करना तो बनता है, घर पर सभी को पसंद आएंगी, कोई भी स्पेशल ओकेशन पर बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।